हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरके क्रिएटर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जो होता तो है लेकिन इसे कोई देख नहीं सकता, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करके रखते हैं। ये एक कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी करेंसी है। ये सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है, जो हमें सिर्फ दिखता इस टाइप है इसका डिज़ाइन। दुनिया में बहुत से क्रिप्टो करेंसी हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कॉइन्स दिख रहे होंगे जो बिटकॉइन की तरह ही डिजिटल है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ 5 तरह के कॉइन्स दिख रहे हैं, जिसमें पहला है बिटकॉइन। बिटकॉइन की अभी करंटली प्राइस 58,742.99 है। फिर दूसरा कॉइन है इथेरियम। इथेरियम की अभी प्राइस चल रही है $3,980.04 के आसपास। और फिर तीसरे नंबर पर आता है बिनेंस कॉइन। बिनेंस कॉइन की करंटली प्राइस है $453.24। चौथा है सोलाना। सोलाना की प्राइस है $186.51। और पाँचवें नंबर पर है डॉगी कॉइन, जिसकी अभी करंटली प्राइस है $0.24। इसी तरह के और भी बहुत से करेंसी हैं। क्रिप्टो करेंसी को समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 24 मार्च 2021 को इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि वो अब टेस्ला कार के लिए बिटकॉइन से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे, और उस अमाउंट को वे बिटकॉइन में ही रहने देंगे, क्योंकि नॉर्मल करेंसी जैसे डॉलर, रुपया या दिनार में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद आपने ये डॉगी कॉइन देखा होगा, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो यही चीज़ है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले आपको इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड में 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर नॉलेज लेनी ज़रूरी है। जितने भी डिजिटल करेंसी हैं, उनमें पहले नंबर पर बिटकॉइन ही आता है, जिसकी प्राइस यहाँ पर मैं 72 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये लगभग 42,29,000 के करीब बन रहा है। उसी तरह इथेरियम 2,86,000, और बिनेंस कॉइन है 32,600, सोलाना है 13,000, और डॉगी कॉइन्स 17.28 रुपये की प्राइस पर बढ़ रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल्स में जान लेते हैं कि बिटकॉइन कैसे बना, किसने बनाया, सारा कुछ समझते हैं इसके बारे में। क्रिप्टो वर्ल्ड में अगर आप जाएंगे तो ज़्यादातर आपको बिटकॉइन ही दिखेगा, और ये डिज़ाइन हुआ था 3 जनवरी 2008 में। उसके बाद इसे 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में उतारा गया। इसके फाउंडर रहे हैं सतोशी नाकामोटो। उसके बाद ये शुरू हुआ बढ़ना 2011 में 0.07 से, लेकिन धीरे धीरे ये और बढ़ता रहा, और 2015 में इसकी प्राइस आसमान छूने लग गई। यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर ये हर साल बढ़ता रहा। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उन इन्वेस्टर की राय जान लेते हैं जो पहले से ही दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर रहे हैं, वो क्या कहते हैं ऐसी डिजिटल करेंसी के बारे में। तो इन्वेस्टर क्या कहते हैं बिटकॉइन के बारे में? डिजिटल करेंसी ग्रुप के ग्लोबल CEO बैरी सिल्बर्ट, इनका खुद का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी ये हाईएस्ट रिस्क और हाईएस्ट रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है। इससे ज़्यादा रिस्क किसी में नहीं है और इससे ज़्यादा रिटर्न भी किसी में नहीं है। तो अब वॉरेन बफे, जो बहुत ही सीजेंट इन्वेस्टर हैं, वो 2014 में ही बोल चुके थे कि बिटकॉइन एक धोखा साबित हो सकता है आपके लिए। वॉरेन बफे कहते हैं यह विचार कि इसका कुछ आंतरिक मूल्य है, मेरे हिसाब में सिर्फ एक मजाक है। ये बस इसका हाइप बढ़ रहा है, इसलिए लोग इसे खरीद रहे हैं। एक्चुअल जेन्युइन ठोस ये किसी के पास नहीं है कि बिटकॉइन आखिर बढ़ता कैसे है। जो चीज़ आपके इन्फ्लुएंस या कंट्रोल में नहीं है, उस पर इन्वेस्टमेंट करना ये एक ब्लाइंड चाल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की सबसे सीजेंट कंपनी बर्कशायर हैथवे, इसके वॉइस चेयरमैन चार्ली म्यूंगर,
शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये एक ब्लैक बीमारी की तरह है, इससे बच के रहना। ये बीमारी जितना ज़्यादा फैलेगी उतने लोगों को अपने चपेट में लेके ख़त्म करेगी। इनके बाद हमारे देश के सीजेंट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला क्या कहते हैं बिटकॉइन के बारे में, वो बोल रहे हैं निवेशक बिटकॉइन के इतने दीवाने क्यों हैं, इसके विकास और मंदी का आधार क्या है, क्या यह बुल चरण में एक आभासी घोटाला है जो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। उनके हिसाब से बिटकॉइन का कोई आधार ही नहीं है तो लंबा टिकेगा कैसे। इसके बाद दुनिया के सबसे रईस इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम को उनके मेंटोर बोलते हैं, फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। इन्होंने शुरू में ही डिजिटल करेंसी के बारे में कहा था कि ऐसी करेंसी कई लोगों को धोखे में लेके डूबेगी। अमिताभ बच्चन का पैसा भी बिटकॉइन में अचानक तेज़ बढ़ा और अचानक तेज़ घटा। ये जो बहुत तेज़ बढ़ना और तेज़ घटना है, इसको असल में इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। और क्रिप्टो करेंसी को समझना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि चाइना सबसे पहला देश बन गया जिसने खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी। यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी लगता है कि डिजिटल करेंसी वर्ल्ड फ्यूचर है। तो अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप लूज़ कर सकते हैं। बाकी बिटकॉइन से रिलेटेड और नॉलेज लेते रहें। अभी एक बिटकॉइन की वैल्यू करीबन 42,39,000 रुपए के करीब है, लेकिन कॉइन स्विच कुबेर की मदद से हम 100 रुपये का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। कॉइन स्विच कुबेर एक ट्रस्टेड कंपनी है जिसमें 100 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके मिलियंस ऑफ ऑनबोर्ड यूज़र हैं और 11 महीने में ही 4 मिलियन यूजर कॉइन स्विच कुबेर को ज्वाइन कर चुके हैं। कॉइन स्विच कुबेर में पेपरलेस KYC प्रोसेस है और हमें अपने आधार और पैन कार्ड की सिर्फ पिक्चर अपलोड करनी है। अगर हमें कोई भी डाउट हो तो हम इसके कस्टमर केयर सपोर्ट को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं और भी ज़्यादा लाने वाला हूँ जिससे आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिजिटल करेंसी ग्रुप के ग्लोबल CEO बैरी सिल्बर्ट, इनका खुद का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी ये हाईएस्ट रिस्क और हाईएस्ट रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है। इससे ज़्यादा रिस्क किसी में नहीं है और इससे ज़्यादा रिटर्न भी किसी में नहीं है। तो अब वॉरेन बफे जो बहुत ही सीजेंट इन्वेस्टर हैं, वो 2014 में ही बोल चुके थे कि बिटकॉइन एक धोखा साबित हो सकता है आपके लिए। वॉरेन बफे कहते हैं यह विचार कि इसका कुछ आंतरिक मूल्य है मेरे हिसाब में सिर्फ एक मजाक है। ये बस इसका हाइप बढ़ रहा है इसलिए लोग इसे खरीद रहे हैं। एक्चुअल जेन्युइन ठोस ये किसी के पास नहीं है कि बिटकॉइन आखिर बढ़ता कैसे है। जो चीज़ आपके इन्फ्लुएंस या कंट्रोल में नहीं है उस पर इन्वेस्टमेंट करना ये एक ब्लाइंड चाल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की सबसे सीजेंट कंपनी बर्कशायर हैथवे, इसके वाइस चेयरमैन चार्ली म्यूंगर शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये एक ब्लैक बीमारी की तरह है, इससे बच के रहना। ये बीमारी जितना ज़्यादा फैलेगी उतने लोगों को अपने चपेट में लेके ख़त्म करेगी। इनके बाद हमारे देश के सीजेंट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला क्या कहते हैं बिटकॉइन के बारे में, वो बोल रहे हैं निवेशक बिटकॉइन के इतने दीवाने क्यों हैं, इसके विकास और मंदी का आधार क्या है, क्या यह बुल चरण में एक आभासी घोटाला है जो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। उनके हिसाब से बिटकॉइन का कोई आधार ही नहीं है तो लंबा टिकेगा कैसे। इसके बाद दुनिया के सबसे रईस इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम को उनके मेंटोर बोलते हैं, फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। इन्होंने शुरू में ही डिजिटल करेंसी के बारे में कहा था कि ऐसी करेंसी कई लोगों को धोखे में लेके डूबेगी। अमिताभ बच्चन का पैसा भी बिटकॉइन में अचानक तेज़ बढ़ा और अचानक तेज़ घटा। ये जो बहुत तेज़ बढ़ना और तेज़ घटना है, इसको असल में इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। और क्रिप्टो करेंसी को समझना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि चाइना सबसे पहला देश बन गया जिसने खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी। यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी लगता है कि डिजिटल करेंसी वर्ल्ड फ्यूचर है।
तो अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप लूज़ कर सकते हैं। बाकी बिटकॉइन से रिलेटेड और नॉलेज लेते रहें। अभी एक बिटकॉइन की वैल्यू करीबन 42,39,000 रुपए के करीब है, लेकिन कॉइन स्विच कुबेर की मदद से हम 100 रुपये का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। कॉइन स्विच कुबेर एक ट्रस्टेड कंपनी है जिसमें 100 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके मिलियंस ऑफ ऑनबोर्ड यूज़र हैं और 11 महीने में ही 4 मिलियन यूजर कॉइन स्विच कुबेर को ज्वाइन कर चुके हैं। कॉइन स्विच कुबेर में पेपरलेस KYC प्रोसेस है और हमें अपने आधार और पैन कार्ड की सिर्फ पिक्चर अपलोड करनी है। अगर हमें कोई भी डाउट हो तो हम इसके कस्टमर केयर सपोर्ट को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं और भी ज़्यादा लाने वाला हूँ जिससे आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।